जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 06077 कोंगु सुपरफास्ट त्योहार विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन कोयम्बतूर जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच रविवार को चलती है। ट्रेन 23 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 2650 किलोमीटर की दूरी 46 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले कोयम्बतूर जंक्शन स्टेशन पर आकर रुक जाती है और शाम 4:15 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट तिरुप्पुर स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4:58 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट ईरोड जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट सेलम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 6:47 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कृष्णराजपुरम स्टेशन है और यहां ट्रेन 10:41 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट यलहंका जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 25 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट हिंदूपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:56 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट धर्मवरम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 2:28 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट अनंतपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन 2:58 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट डोन जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट कर्नूलू सिटी स्टेशन है और यहां ट्रेन 6:28 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट महबूब नगर स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:29 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट काचीगुड़ा स्टेशन है और यहां ट्रेन 10:10 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट काजीपेट जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:13 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट बल्हारशाह जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट नागपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट बैतूल स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:28 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट इटारसी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट भोपाल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट बीना जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट झांसी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 8 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:00 पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट आगरा छावनी स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:00 पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट मथुरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:49 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां और आखिरी हॉल्ट हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है और यहां ट्रेन 2:15 पर पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।